अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स क्या चल रहा है, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। मैं इरफान खान ही के शहर जंग से। अच्छा तो व्यूअर्स, आज मेरे घर पे आए हुए थे मेरे पास मेहमान, तो उनके लिए मैं बनाने लगा हूं चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह तैयार होता है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया जी 1 kg चिकन, ये गार्लिक और उसका पेस्ट है, ये मैंने लिया जी नेशनल वालों का टिक्का मोटी मसाला, ये नमक हो गया, ये सॉस है जी, अच्छा धनिया खुश्क धनिया और गरम मसाला, हल्दी और ये मेरे पास बेसन है, इसके अंदर बेसन है, ठीक है। तो ये मैं अब तैयार करने लगा हूँ व्यूअर्स, जैसे ही इसको मैं ये मसाला वगैरह लगा के इसे 1 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रीजर में, जैसे ये मैरिनेट हो जाएगा उसके बाद जैसे हम इसकी सिलाई वगैरह करेंगे तो फिर मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये जो हमने चिकन लिया हुआ था इसको हम छोटा छोटा करके ना काट लेते हैं जी। ये देखिए ये बिल्कुल छोटा है ताकि इस पे जब मसाला लग जाएगा और जब मैरिनेट हो जाएगा तो ये अच्छी तरह पकने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह मैंने मेरे छोटे छोटे टुकड़ों में से काट लिया, ठीक है जी। देखिए जितना छोटा होगा इसके ऊपर जब मसाला लगेगा ये उतना अच्छा फ्राई होगा। अच्छा व्यूअर्स, आपने कोशिश करनी है, ये देखिए ये मैंने जो ब्रीक ब्रीक रखा हुआ है ये मैरिनेट भी अच्छा होता है और ये पकने के लिए भी अच्छा रहता है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरा चैनल इरफान ख्याल ब्लॉग के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा तो व्यूअर्स, अब इसे मैरिनेट करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें सोया सॉस डालेंगे जी, तकरीबन 1 kg है तो इसमें 1.5 चम्मच हमने ये सोया सॉस डाला है। अच्छा उसके बाद ये हम डालेंगे जी, ठीक है। अब इसमें होता है जी इसके लिए, अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे जी ये टिक्का मसाला मैंने लिया है जी नेशनल वालों का टिक्का मोटी मसाला, अब इसमें ये डालेंगे जी। ये देखिए तकरीबन इसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं ताकि इसमें जो टेस्ट है वो ज़्यादा रहे। अच्छा इसके बाद हमने ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था ये इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच का मैंने ये डाल दिए। अच्छा इसके बाद ये जी हल्दी 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें, इससे ज़्यादा आप नहीं डाल दें। ये है जी खुश्क धनिया है, इसका 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें। अच्छा ये लाल मिर्च हो गई, ये अब डालेंगे जी 1 चम्मच ताकि चिकन पकौड़ा जो हमारा स्पाइसी रहे, और 1/2 चम्मच जो है वो अब डालेंगे जी नमक, क्योंकि ये जो मसाला है टिक्का मोटी मसाला इसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, ठीक है जी। अब हम इसमें दही भी डाल लेंगे, वो दही का उठा लें तो ये देखिए जी ये दही मैंने ले लिया था पहले, इसमें 2 चम्मच जो है वो 2 या 3 चम्मच हम दही के भी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो सके, इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
ये देखे जी माशाल्लाह काफ़ी मिसाला हमारा तेज लग गया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसके अंदर डालेंगे जी हम थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच हम इसमें बेसन के भी शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह दोबारा हिला लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए जी अब इसकी कोटिंग वगैरह सारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल चिकन पकौड़ा हमारा जो है ये मैरिनेट हो गया। ठीक है जी, तो व्यूअर्स अब हम इसे रखेंगे 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में और उसके बाद इसकी तलाई शुरू करेंगे। अच्छा तो व्यूअर्स हमारा जो हमने मैरिनेट किया हुआ था हमारा मसाला वगैरह गोश्त हमारा जो चिकन पकौड़े का था वो तैयार हो चुका है। हमने 1.5 घंटा इसे रखा है फ्रीज़र के अंदर। अब हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया जी। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो रहा है जी। और ये देखिए जी हमारे चिकन पकौड़े का जो रेसिपी थी जो हम तैयार कर रहे थे मसाला वगैरह लगा लिया है 1.5 घंटा हमने इसे टाइम दिया है। यह बिल्कुल मुकम्मल तैयार है। आप भाई से आप फ्राई करने लगे हैं। ठीक है व्यूअर्स एक डिश ले ली है और एक चम्मच की तरह ये पड़ा है जिसे हम धो लेते हैं। अच्छा जी देख लेते हैं जी अगर ये अच्छी तरह गर्म हो गया। हाँ जी बिल्कुल ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोशिश कर दी है व्यूअर्स के पहले ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो ताकि ये ऊपर भी इसके मसाला लगा हुआ है जैसे हम इसे हाथों में हिलाएंगे तो इसके ऊपर मसाला जो है उसके ऊपर ही रहेगा। और जब आप देख लें कि आपका जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है तो उसके बाद कोशिश करें इसे मीडियम फ्लेम पे रख दें ताकि ये जलेगा। अब जैसे ही व्यूअर्स इसका येलो येलो कलर आना ये देखिए आपने आना शुरू हो गया इसके ऊपर येलो येलो कलर। और जैसे ही हमारा कलर जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा और डार्क होगा तो हम कोशिश करेंगे इसे निकाल लेंगे।
क्योंकि ये छोटी छोटी जो मैंने क्यूब में काटा था इसे, इसलिए काटा था कि ये जल्दी से तैयार हो सकते हैं। जब आपने कोई व्यूअर्स, आपके दोस्त वगैरह हैं या कोई रिश्तेदार जो आपके ख़ास मेहमान होते हैं, उनके लिए ये जो है ना झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो मेरे तो जितने भी करीबी दोस्त वगैरह आज भी जो मेरे मेहमान आए हुए, वो भी मेरे लिए ख़ास है। मेरी बेटी आई हुई है जी, मेरे भाई की बेटी है, वो आई हुई है, उन्हें चिकन पकौड़ा मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसके लिए चिकन पकौड़ा तैयार करते हैं। अच्छा तो जी बस अब हम इसे निकालने लगे हैं जी। ये देखिए ये व्यूअर्स, हमने दूसरी दफ़ा भी डाल लिया इसके अंदर, ये निकल आया कि इसका कलर आप चेक कर ले एक दफ़ा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर है इसका, बिल्कुल रेड ब्राउन हो गया जी। और ये मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह बना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना जी। और ये देखिए इनका कलर भी अब रेड ब्राउन हो चुका है, इन्हें अब निकाल लेते हैं जी। अच्छा तो जी बस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, फाइनली हमने जो चिकन पकौड़ा था वो तैयार कर लिया है जी। आपको मैं डेकोरेट करके दिखा देता हूँ जी। ये देखिए जी, ये फाइनली हमारा तैयार हो गया है जी। हमारे केचप भी थी और रायता भी मैंने साथ तैयार कर लिया है। अच्छा तो हमारा व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। जो जो मेरे चैनल पे रहे, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अगले व्लॉग में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।